GPH रिव्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस, आज के स्टूडियो में बात करेंगे नए आईफोन्स के अपडेट के बारे में। यहाँ पे नई चीजें आ रही है आईफोन 12 के बारे में, आईफोन 12 सीरीज के बारे में। तो आज के स्टूडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आईफोन 12 में नया स्मार्ट डेटा मोड आ चुका है या आने वाला है, उसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स आज के स्टूडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को बिल्कुल से कंप्लीट वॉच करो। हे गाइस, मेरा नाम है जिनके लिए आप देख रहे हैं जीपीएच रिव्यूज। एंजॉय द इंट्रो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल हमारा एप्पल का इवेंट है, जिसमें आईफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, आईफोन 12 सीरीज लॉन्च होने वाली है, जो कि सारी सीरीज 5G ऐसा बताया जा रहा है काफी सारे लोगों के प्रेडिक्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एन गैजेट्स ने थोड़ा सा प्रेडिक्शन किया है कि आईफोन 12 मिनी जो सीरीज आएगी, आईफोन 12 मिनी जो मॉडल आएगा, सबसे सस्ता वाला मॉडल, तो उसमें हम लोगों को शायद 5G देखने को ना मिले। ये कोई कन्फर्म्ड न्यूज़ नहीं है, ये एक प्रेडिक्शन है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 12 मिनी जो है वो थोड़ा सा सस्ते रेंज में आएगा, तो यहाँ पे 5G हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता है आईफोन 12 मिनी में। या मेरे हिसाब से तो आईफोन 12 मिनी भी 5G रहेगा, क्योंकि 12 सीरीज पूरी ही 5G रहेगी। तो बात करते हैं चार मॉडल्स की। तो चार मॉडल सभी लोगों को पता है कौन से लॉन्च होने वाले हैं। आईफोन 12 मिनी सबसे चीप वाला मॉडल रहेगा 5.4 इंचेस के स्क्रीन साइज के साथ। उसके बाद का मॉडल रहेगा आईफोन 12, इसके आगे कुछ भी नहीं है। आईफोन 12 6.1 इंचेस की स्क्रीन साइज के साथ। उसके बाद वाला मॉडल रहेगा आईफोन 12 प्रो 6.1 इंचेस की स्क्रीन साइज के साथ। और उसके बाद वाला मॉडल रहेगा आईफोन 12 प्रो मैक्स 6.7 इंचेस की मेगा स्क्रीन साइज के साथ। अभी बात करते हैं स्मार्ट डेटा मोड के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लीक्स है कि स्मार्ट डेटा मोड हम लोगों को मिल सकता है आईफोन 12 के डिवाइसेस पे। ये सभी डिवाइसेस या जो डिवाइसेस रहेंगे 5G, यहाँ पे 5G जो होता है उसको ज़्यादा डेटा लगता है कंपेयर टू 4G या LTE से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो 5G ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। तो उसी वजह से यहाँ पे हम लोगों को आईफोन 12 में नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा स्मार्ट डेटा मोड, जिसके अंदर हम लोगों को यार मतलब हमारी जो पावर है या बैटरी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहेगी, या उसकी इफिशियंसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहेगी। मतलब हमें ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलेंगी आईफोन 12 की या आईफोन 12 सीरीज की 5G अगर हम यूज़ करते हैं तो। और यहाँ पे कोई भी 5G 4G में स्विच नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिकली स्विच होता रहेगा। 5G है या 4G है वो रेंज के हिसाब से स्विच होगा, तो हम लोगों को इसके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई 5G वाला सिलेक्ट करना है या 4G वाला सिलेक्ट करना है। सो गाइस, यहाँ पे आईफोन 12 सीरीज के लिए एक बुरी बात हम लोगों को देखने को मिल रही है अभी र्यूमर्स में, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले हम लोगों को कोई भी आईफोन के मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा प्रेडिक्शन किया है काफ़ी ज़्यादा लीकर्स ने। 120 हर्ट्ज प्रो में भी देखने को नहीं मिलेगा, प्रो मैक्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो सीरीज है उसके अंदर हम लोगों को एक सेंसर जो रहेगा लेडर सेंसर देखने को मिलेगा एक कौन से भी डिवाइस में, जो प्रो मैक्स हो सकता है या प्रो हो सकता है, या दोनों भी प्रो मॉडल्स में हम लोगों को लेडर सेंसर देखने को मिल सकता है। आईफोन 12 के साथ साथ हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं एयरपॉड स्टूडियो, जो कि ओवर ईयर हेडफोन्स रहेंगे एप्पल की तरफ से। साथ ही साथ एयर टैग्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि जियो लोकेशन के लिए यूज होंगे। ये दो प्रोडक्ट्स भी कल के इवेंट में लॉन्च हो सकते हैं। सो गाइस, बात करते हैं प्राइजेस के बारे में। तो यहाँ पे काफी सारी लीक्स है कि भाई $699 में हम लोगों का आईफोन 12 मिनी का बेस वेरियंट देखने को मिलेगा। इसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, तो यहाँ पे 103 से हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि कस्टम्स और GST एड हो जाता है। तो यहाँ पे 103 मतलब 103 रुपए से आपको मल्टीप्लाई करना है US डॉलर के रेट को। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 12 मिनी के लिए कितनी प्राइस हो रही है, लगभग से 70,000 के आसपास ये फोन लॉन्च होगा, 69,900 के आसपास। जो उसके बाद का वेरिएंट रहेगा आईफोन 12 वो लॉन्च होगा $799 में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 103 से, तो यहाँ पे 80,000 के आसपास कुछ इसके रेट रहेंगे। आईफोन 12 प्रो की बात करते हैं तो 99,000 के आसपास रहेगा, मतलब $999 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 103 से तो 1,00,000 के आसपास यहाँ पे सम आ जाती है। और बात करते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स की, तो यहाँ पे ये लगभग से 1,20,000 के आसपास हम लोगों को देखने को मिल सकता है इंडिया में। सो गाइस, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग लीक्स। बात करते हैं कल के इवेंट के बारे में। तो 10:30 बजे हम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई कौन सा आईफोन 5G के साथ आता है, कौन सा आईफोन 4G के साथ आता है, क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, सारी चीजें कल के इवेंट में कवर हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं क्या चीजें लॉन्च होती है। तो यही था कुछ वीडियो गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो मैं आप तक बिल्कुल से पहुंच सकूं। तो यही था कुछ वीडियो। आई एम अजिंक्य, साइनिंग ऑफ सीजन नेक्स्ट वीडियो। होप यू एंजॉय दिस वन।